हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा और दो आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं एंड विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टोयोटा हाई राइडर या फिर मारुति सुजुकी की जो गाड़ी आई है ग्रैंड विटारा, वह इनके जो हाइब्रिड वर्जन है वर्सेज द क्रेटा डीजल, आपको इनमें से कौन सी लेनी चाहिए और क्यों। दोस्तों, सबसे पहले अगर कीमतों की बात करें तो प्राइसिंग में विटारा और हाई राइडर दोनों ही नॉर्मल पेट्रोल वर्जन से इनके काफ़ी महंगी है, लगभग 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दें ऑन रोड। वहीं अगर हम डीजल की बात करें, क्रेटा डीजल वर्सेस क्रेटा पेट्रोल जो सिंपल आता है, उसमें कीमतों का फ़र्क मैक्सिमम 1 लाख या 1.5 लाख रुपए तक का है। तो सबसे पहले आपको पैसे कम भरने पड़ते हैं, ठीक है, वो इनिशियल आपको एक बर्डन कम आता है, और क्योंकि वो बर्डन कम है तो आपको गाड़ी उतनी ही जल्दी, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्रेटा में 1-1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, तो आप वो जो एक्स्ट्रा आपने 1.5 लाख रुपये अज्यूम करें हम, अगर आपने पेट्रोल के ऊपर पे किया है तो आप जल्दी वसूल लेंगे। वही अगर आप हाइब्रिड वर्जन खरीदते हैं जिसमें आप 3-4 लाख रुपये एक्स्ट्रा भर रहे हैं ओवर द नॉर्मल पेट्रोल टू द हाइब्रिड, तो आपको गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चलाना पड़ेगा। एक ही सिंपल सा मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, जिससे आपके वो 3-4 लाख रुपये वसूल हो पाए। अगर आप क्रेटा में 1 लाख किलोमीटर चला के वसूल लोगे तो यहाँ आपको मिनिमम एटलीस्ट आपको 1.5-2 लाख किलोमीटर चलानी पड़ेगी। तो अगर आपकी रनिंग बहुत बहुत ज़्यादा है तो ही आप लें, ठीक है। वो एक चीज़ हो गई, एक होगी बात प्राइस की, एक हो गई आपकी रनिंग कॉस्ट की, मतलब क्योंकि आपको लगता है हाइब्रिड माइलेज तो ज़्यादा दे रहा है, बट हाइब्रिड के लिए कीमत इनिशियली ज़्यादा दे चुके हैं, तो आप कितनी भी माइलेज निकाल लें आपको वसूलने में काफ़ी चलानी पड़ेगी काफ़ी टाइम। अब यहाँ बात आती है माइलेज की। दोस्तों, माइलेज में क्रेटा डीजल का जवाब नहीं है, ऑलमोस्ट 21-22 की एवरेज आराम से ये गाड़ी दे रही थी। नहीं, हाई राइडर को आप देखें तो वो भी लगभग 23 या 24 की ही देती है, तो कोई खास ज़्यादा फर्क है नहीं। ऐसे में ऑन द केक जो है वो क्रेटा डीजल के फेवर में जाती है, जो वो है डीजल का पंच, टॉर्क, पावर, पुलिंग कैपेसिटी, मज़ा, चेहरे पर मुस्कान आएगी। वहीं आप हाइब्रिड वाली चलाएंगे, मुझे नहीं समझ में आया, ना पंच है ना एक्सेलरेशन है, उतना मज़ा पावर कंबाइंड नहीं है। तो ये 3-4 कारणों से, क्योंकि माइलेज भी क्रेटा की काफ़ी अच्छी है, मज़ा भी है, पावरफुल इंजन है और सस्ती है, तो आप क्रेटा डीजल लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश रहें। जय हिंद।